जालिमों, मोदी आ रहा है। मोदी इस कमिंग बैक दुनिया के सबसे बड़े इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं। वो तो उनकी भी मदद कर देते हैं। बस ठीक है, अच्छी बात है, करते रहो, कंटिन्यू रखो। हम क्या करें, हम तो आइसोलेटेड हो गया पूरी दुनिया में। हमने मरना है, हमें कयामत पे यकीन है, हमने मरना है, इसीलिए हमें टेंशन मत लो। मोदी आ जाता क्योंकि वहाँ पर जो ओवरसीज और जो वहाँ के इंडियंस वोटिंग कर रहे हैं इस टाइम, जो करंट सिचुएशन सोशल मीडिया बता रहा है, वो मोदी के हक में बता। इस्तेमाई तौर पे जो इंतखाब का जो रिजल्ट आएगा ना, वो नहीं आएगा उसका। तजारत के साथ पाकिस्तान का बहुत फायदा है। ठीक, इंडिया को फर्क नहीं ज्यादा पड़ता, वो इतनी दुनिया में तजारत कर रहा है कि वो आप करें या ना करें, उनका कहना चाहे ही कोई नहीं। पाकिस्तान को इतना कमजोर मत समझे, हमारी पाकिस्तान की फौज जो है वो नंबर वन फौज है। ऐसे वक्त में जब किसी के पास खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, जीने को नहीं है, तो फिर वो अपने आप ही आएगा ना। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन, दुनिया का सबसे बड़ा एक ऐसा कंट्री जिसकी आबादी सबसे ज्यादा हो चुकी है, उस कंट्री के लोग अब वोट करने जा रहे हैं। हमारा मुल्क अभी डाउन है, तो इसीलिए कोई कमी मुल्क आते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, पाकिस्तानियों इंशाल्लाह करके दिखाओगे, अपने आप पे यकीन रखो। गैर मुस्लिम होकर भी कुछ अपना ईमान तो रखते हैं। क्या आप समझते हैं मोदी हमारे हुक्मरानों से बेहतर है? वो उनके लिए बेहतर है तो उसको वो बेहतर समझ रहे हैं ना। हर हुक्मरान अपने मुल्क के लिए बेहतर होता है अंकल, दूसरे मुल्कों के लिए नहीं होता। उनके लिए वो बेहतर और अपने मुल्क के लिए बेहतर। ये जो दुनिया जो है वो कमर करने वहाँ पे पहुंचेगी सबसे बड़े इलेक्शन, और कमाल के वो करके दिखाएंगे, और साथ ही जालिमों मोदी साहब जो वापस आ जाएंगे। भारत ने आपको नहीं कहा कि आप बंद करें, आपने खुद बंद किया इस प्रोटेस्ट, तो अब आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप खोलना चाहें कि नहीं खोलना। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, भारत के अंदर चुनाव की घोषणा हो चुकी है और 4 जून को ये पता चल जाएगा कि भारत के अंदर किसकी सरकार बन रही है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान का मीडिया देखें तो भारत के अंदर जो सर्वे रिपोर्ट आ रही है, वो जिस प्रकार का माहौल है उसको लेकर पाकिस्तान का मीडिया चर्चा कर रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो है ना, वो तीसरी बार फिर से जो है ना इलेक्ट होकर आ रहे हैं। तो और क्या कुछ डिस्कस किया जा रहा है वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो पूरी देखना, लाइक करना, शेयर करना, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जालिमों, मोदी आ रहा है। मोदी इस कमिंग बैक दुनिया के सबसे बड़े इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं। कहा जा रहा है द बिगेस्ट इलेक्शन इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन होने जा रहा है, जिसमें 1 अरब से ज्यादा लोग अपना वोटिंग राइट इस्तेमाल करेंगे। 1 बिलियन पीपल अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे, जिसमें उनको जिसका दिल चाहेगा वो उसको वोट देगा और वोट के जरिए अपनी नई हुकूमत लाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन, दुनिया का सबसे बड़ा एक ऐसा कंट्री जिसकी आबादी सबसे ज्यादा हो चुकी है, उस कंट्री के लोग अब वोट करने जा रहे हैं, अपना वोट का राइट इस्तेमाल करने जा रहे हैं, जिसको इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है। और आप देखिएगा कि इंडिया के इन इलेक्शंस में दुनिया इसको कैसे कवर करेगी, और हर जगह पर सिर्फ एक ही चर्चा होगा और वो चर्चा होगा इंडिया के इलेक्शंस का। इस वक्त गार्डियन मेरे सामने ओपन है और गार्डियन इसको इस तरीके से पब्लिश करता है कि इंडिया टू होल्ड वर्ल्ड्स बिगेस्ट इलेक्शंस इन द वर्ल्ड, और इसमें ये बताया जा रहा है कि कितनी इसकी स्टेजेस होंगी, कैसे कैसे जो है वो इसमें जो वोट कास्ट करने का तरीका क्या होगा, किस जगह पर क्या इंतजाम किए गए हैं, किन स्टेट्स में कैसे वोटिंग होगी, क्या टाइमिंग होगी, सब डिटेल्स मौजूद हैं। लेकिन हर जगह पर हर कोई जो बात लिख रहा है वो ये है कि मोदी इज कमिंग बैक। इन इलेक्शन में कोई माइका लाल मोदी को रोक नहीं सकता एक बार फिर इक्तदार में आने से, और इसकी वजह यह है, इसकी वजह यह बताई जा रही है कि नरेंद्र मोदी अपने कंट्री को अपने इक्तदार में, अपने अदवार में उस जगह पर ले गया है जहां पर कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। तो जनाब, वो जो मैं कहा करती हूँ कि जालिमों मोदी आ रहा है, तो जालिमों मोदी बस समझो आ ही चुका है। इसकी वजह यह है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने एक जगह पर वो बात कर रहे थे इंडिया कॉन्क्लेव 2024, और उसमें उन्होंने बात करते हुए ये कहा है कि ही इज कमिंग बैक। वो गैर मुस्लिम होकर भी कुछ अपना ईमान तो रखते हैं। क्या आप समझते हैं मोदी हमारे हुक्मरानों से बेहतर है? वो उनके लिए बेहतर है तो उसको वो बेहतर समझ रहे हैं ना।
हर हुक्मरान अपने मुल्क के लिए बेहतर होता है अंकल, दूसरे मुल्कों के लिए नहीं होता। उनके लिए वो बेहतर और अपने मुल्क के लिए बेहतर है, वो पाकिस्तान के खिलाफ बातें करके उनको अपने हक में बेहतर कर रहा है। हमारे नहीं, इंडिया के खिलाफ बातें हम करते हैं ना, लेकिन मोदी तो कर रहा है ना, मोदी कर रहा है इस वक्त, वो बातें कर रहा है कि भाई मैं पाकिस्तान को कटोरा भांग पकड़वा दिया मैंने, तो ये पहले ही पकड़ा हूं मैं, पहले ही पकड़ा, तो उसने तो ये बातें करी ना अभी। सही बात। क्या समझते हैं, क्या समझते हैं कि अगर जिस तरह से दूसरा तीसरा ट्रिनियोड आने वाला है, क्या समझते हैं वहाँ की पार्टी में कौन आएगा, आपके एज अ पाकिस्तानी क्या राय है? वो तो फिर मोदी आएगा, जो और तो उनके पास भी कोई नजर नहीं आ रहा, उनके पास भी कोई नहीं है इसके अलावा। हाँ, वो भी सुपर पावर। मोदी आ जाता है तो क्या पाकिस्तान हिंदुस्तान के रिलेशनशिप बेहतर होंगे, क्या कोई काम होगा या नहीं? ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब उनके बेटे हैं, सब कुछ हो सकता है, बेहतर हो सकता है। अच्छा। आप समझते हैं कि मोदी आ गया, नवाज शरीफ आ गया, तो पाकिस्तान के बैया पार तरक्की कर जाएगा, तरक्की खाक करेगा। ना अगर ट्रेड होगी तो इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी। नहीं जी नहीं, पहले उसने थोड़ा बर्बाद किया और मजीद बर्बाद करेगा, वो मोदी अपने अबू के कहने पे बर्बाद करेगा। अच्छा। बस और क्या, सबको सेंस में क्या क्या बर्बादी होगी पाकिस्तान भाई, आप देखें ना, जैसे कि वो पानी छोड़ देते हैं और तो नहीं छोड़ेगा, अब उसने कहा कि रिवर डाबी में पानी नहीं आएगा, सब कुछ होगा, नहीं होगा ना, उन्होंने डैम बना लिया उधर पास, सब कुछ होगा, कहने में कुछ भी आप कह रहे हैं, पानी नहीं आता तो चले एक बर्बादी खत्म ना, दूसरी बताए। नहीं, बर्बादी कभी खत्म नहीं होगी, जब तक इस किस्म के हुक्मरान रहेंगे ना, बर्बादी कभी भी खत्म नहीं होगी। अंकल अगर मोदी आ जाता है तो दुनिया में आगे उसके बड़े चर्चे हैं और इंडिया को वैसे ही बड़ा जाना जा रहा है अब मोदी के बाद, तो क्या समझते हैं इंडिया का क्या मुकाम होगा दुनिया में? इंडिया तो अभी भी सुपर पावर नंबर वन पे आ रहा है, अमेरिका के बाद इंडिया इंडिया ही हो रही है, तो वो तो और नंबर वन आ जाएगा और वो चांद पे। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन भी मोदी को बड़ा पसंद करते हैं, गले लगा लेते हैं। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, वो तो नंबर वन है ही, समझ लें नंबर वन अमेरिका भी और मोदी भी है, आप दोनों को नंबर वन कह सकते हैं। क्या समझते हैं कि हमें इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए या नहीं? देखिए हम बहज़े मुल्क और हमसाया मुल्क के नाते तो बेहतर करने चाहिए, लेकिन बहज़े हम मुसलमान हैं और वो काफर हैं, उस हिसाब से तो हम ज़्यादा मुसलमान हैं, क्या बात कर रहे हैं? नहीं मैं बात तो कर रहा हूँ, बहज़े हम मुल्क के हिसाब से हमसाया हैं तो हमारे ताल्लुकात बेहतर ही करने चाहिए ना, हमारी बुनियाद सिर्फ इस्लाम पे रखी गई है, वरना यहाँ पे भी सारे माइनॉरिटीज सारे सब सब कुछ दो नंबर। करप्शन वगैरह की भी अगर बात करें सब कुछ यहाँ पे खुल्लम खुला, यहाँ तो कानून ही सिर्फ गरीब के लिए। भारत ने उनकी मदद भी की है, क्या लगता है भारत उनको बहुत सपोर्ट करता है? स्पेशली भारत तो उन चीज़ों को ज़्यादा सपोर्ट करता है जिसकी पाकिस्तान के साथ बनने लग जाए ना, तो भारतों की ये आदत है कि अगर कोई हमारे साथ दुश्मन बन गया वो उसको दोस्त ज़रूर बनाएगा। अच्छा, तो उनकी तो उनके साथ भी बनती है जिनका हमसे कोई ताल्लुक नहीं होता, वो तो उनकी भी मदद कर देते हैं। बस ठीक है, अच्छी बात है, करते रहो, कंटिन्यू रखो। हम क्या करें, हम तो आइसोलेटेड हो गए पूरी दुनिया में, हमने मरना है, हमें क्यामत पे यकीन है हमने मरना है, इसीलिए हमें टेंशन मत लो। क्या बात कर रहे हो यार, मरना है हमने, क्यामत पे यकीन रखते हैं, तो क्या यहाँ गुर्बत की जिंदगी गुजारे, भीख मांग ले बैठ के कटोरा पकड़ ले? गुर्बत की जिंदगी तो नहीं गुजार रहे, सब इंसान खा पी रहे हैं, अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, हर मुल्क में गरीब लोग होते हैं, ये नहीं है कोई कितनी मर्जी बड़ी कंट्री है छोटी कंट्री है। अरे गोल्स क्या, आपने कहा क्यामत पे यकीन रखी, वो तो हमारे गोल्स क्या, हमें तरक्की से अल्लाह ने तो नहीं मना किया, हमें तरक्की से अल्लाह ने नहीं मना किया, लेकिन किसी की तरक्की को देख के खुद को डिग्रेड फील मत करवाए कि हम क्यों नहीं कर रहे, हम क्यों नहीं कर रहे मोटिवेशन, हम खुद अल्हम्दुलिल्लाह जैसे भी बेहतर है, अपने आप पे यकीन रखो, मजीद बेहतर हो जाएगा, वो बस इंशाल्लाह अच्छा वक्त आ जाएगा, खुद पे यकीन रखना चाहिए। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और यहाँ पर आपने पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन देखा है भारत के अंदर जो लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर। तो यहाँ पर बातें जो की जा रही हैं, तमाम जो सर्वे रिपोर्ट सामने आई हैं और जिस प्रकार का माहौल चल रहा है और जिस प्रकार का काम भारत के अंदर मोदी सरकार ने किया है, ये पाकिस्तानियों को भी पता है, क्योंकि पाकिस्तानियों के जो पाकिस्तान के जो हालात हैं ना वो इतने ज़्यादा ख़राब है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, इकोनॉमिक ग्रोथ बिल्कुल नहीं है, हर बार उनकी सरकार को जो है ना कर्ज लेने के लिए IMF के पास जाना पड़ता है, तो ये सब चीज़ें उनको पता है। और भारत जिस प्रकार से तेज़ी के साथ आगे बढ़ा है और जिस प्रकार से भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, अभी कुछ समय पहले जो डेटा आया था जिसमें बताया गया कि 8.4% की रेट से जो है ना भारत की इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, तो ये सब चीज़ें जो है ना पाकिस्तानी भी ऑब्जर्व करते हैं, उनको भी ये पता है कि जो मोदी सरकार है वो भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर कार्य कर रही है। और पाकिस्तानी खुलकर इस बात को जो है ना डिस्कस कर रहे हैं कि तीसरे टर्म में भी फिर से मोदी सरकार जो है ना वो एक बार फिर से सत्ता में आ रही है। बाकी आपने पूरी वीडियो देखी है, अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।